नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। खबर मौसम से जुड़ी है, जहां हम आपको मौसम का ताजा हाल बतलाने आ गए हैं। राजधानी पटना समेत बिहार के कई जिलों में आज मौसम कैसा रहेगा, चलिए हम आपको बताते हैं। बिहार के मौसम के संबंध में मौसम विभाग की तरफ से जानकारी दी है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज यानी कि 15 अगस्त के दिन पटना, खगड़िया, नालंदा, बक्सर, मुंगेर, रोहतास, वैशाली, गया, नवादा, अरवल, औरंगाबाद, कैमूर, शिवहर, शेखपुरा, सारण में आंशिक रूप से बादल छाए रहने के आसार हैं। हालांकि इस बीच मौसम शुष्क नजर आएगा, जबकि राज्य के अन्य जिलों में हल्की वर्षा की संभावना है। मौसम विभाग ने पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, अररिया, किशनगंज में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। राजधानी पटना समेत अन्य कुछ जिलों में सोमवार को बादल छाए रहने के साथ आंशिक बूंदाबांदी की संभावना व्यक्त की गई है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की मौसम की, तो उत्तर प्रदेश में भी मौसम के तरफ से जो जानकारी मिली है मौसम विभाग की तरफ से, कुछ कुछ जगह पर बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पश्चिम भारत में हल्की से मध्य छिटपुट और काफ़ी व्यापक बारिश का अनुमान है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश से सोमवार को सोलन, शिमला के भूस्खलन की दो घटनाओं में कम से कम कई लोगों की मौत गई है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के 6 जिलों देहरादून, टिहरी, पौंडी, उधम सिंह नगर, नैनीताल में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। तो जहां आपको बताते चले कि मौसम विभाग की तरफ से ये जानकारी मिली है कि राजधानी पटना समेत बिहार के कई जिलों में आज पूर्ण रूप से बादल छाए देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ आपको बताते चले कि बिहार के कुछ जगहों पर आपको बारिश देखने को मिल सकती है। वही आपको बताते चले कि मौसम विभाग की तरफ से 16 से लेकर 19 अगस्त तक मौसम को लेकर अलर्ट जारी करते हुए लोगों से सावधान रहने को कहा गया है, घर में रहने को कहा गया है, क्योंकि 16 से 19 अगस्त तक बिहार की राजधानी पटना और बिहार के अन्य जिलों में भारी बारिश हो सकती है। फिलहाल के लिए मौसम इतना ही। अनेक अपडेट्स के लिए देखते रहें न्यूज़ फाउंडेशन।